हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम अगेन से बात करेंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 आपको कल किन लेवल्स के ऊपर दिखाई दे सकता है और ट्रैप जोन एंड उसके साथ टारगेट्स कहाँ पे हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। ट्रैप जोन थोड़ी सी बड़ी है जिसका हमें ज़रूर से ध्यान रखना है, जिसमें कि थोड़ा बहुत हम स्कैल्प करेंगे, लंबी पोजिशंस बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि उन लेवल्स पर हमें एक रैंडम कैंडल देखने के लिए मिल सकती है। तो आइए बात करते हैं पहले फ्राइडे के मार्केट की। तो अगर आपने मेरी लाइव स्ट्रीम देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मार्केट अब पूरा दिन एक रेंज में रह सकती है। तो आप देख सकते हो एक पूरी रेंज मार्केट ने बनाई हुई थी यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी की अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, आपके सामने बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं स्केल के साथ इसको मेज़र करता हूँ तो ऑलमोस्ट मार्केट ने 211 की रेंज में काम किया, जिसमें प्रीमियम सिर्फ थोड़ा बहुत ही इंक्रीज़ हुआ था और ज़्यादातर प्रीमियम्स को डीके किया गया। तो लाइव मार्केट में मैंने बताया था कि अब मतलब कि बैंक निफ्टी एक रेंज में रह सकती है, काफ़ी हाई चांसेस हैं और ऐसा हुआ भी। हाँ, अभी हमें यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे आप देख सकते हो इस रेंज में हमें थोड़ा सा एक बॉक्स का ब्रेक डाउन होते हुए दिखा, बट वो ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाया। इसका रीज़न ये था कि मार्केट में यहाँ पे नीचे की तरफ एक बहुत ही बड़ी सी सपोर्ट जोन थी, ठीक है। और इस सपोर्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कस ज़रूर से करेंगे क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी मार्केट को नीचे जाने से रोकने के लिए। तो जब तक इस जोन का ब्रेक डाउन नहीं होता है, मार्केट में एक बड़ी मूव टूवर्ड डाउन साइड नहीं आ सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले तो मार्केट ने हमें एक बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे एक गैप डाउन दिया है ना। ऑलमोस्ट अगर देखें तो 400 मतलब 400 के आसपास का ये गैप डाउन था। यहाँ पे देख सकते हो ये इस लेवल पे था, तो 411 पॉइंट्स का यहाँ पे गैप डाउन देखने के लिए मिला मार्केट में। ओके, सो अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखो, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो एग्जैक्टली मैंने बोला था इस लेवल पे, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ पहले। अब उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि ये कैंडल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी क्योंकि ये एक इनडिसीजन कैंडल है। अब इनडिसीजन कैंडल का ब्रेकआउट होना या ब्रेकडाउन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये एक मार्केट में रेंज को फिक्स कर देता है। अगर मार्केट मतलब ये तो चलो, और ये क्या होगा, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब चलो ये तो मार्केट ने एक गैप डाउन करके बहुत ही अच्छा समय यहाँ पे एक मूव दे दिया टूवर्ड डाउन साइड का। सपोज अगर ये हमें मूव नहीं मिलता तो मार्केट काफ़ी दिन इसी जोन में हमें ट्रैवल करती हुई दिखाई दे सकती थी। अब जो कि यहाँ पे हमें बहुत ही बड़ा सा गैप डाउन करके मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है, अब बहुत सारे चांसेस हैं कि मार्केट अब यहाँ से एक बहुत ही बढ़िया सा डाउनफॉल दे सकता है। बट रिमेंबर, ये एक बहुत बड़ी सी सपोर्ट बनी हुई है जो मैं अभी आपको बताऊंगा इसका लेवल क्या है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनडिसीजन कैंडल का बिहेवियर एक्चुअल में काम कैसे करता है, ठीक है। तो इनडिसीजन कैंडल जब भी आपको दिखे तो उस रेंज को ऐसे बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे आप दो चीज़ें कर सकते हो, इनडिसीजन कैंडल का एक आपने लो और सेकंड उसका हाई, ठीक है। इसको आपने हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू मार्क कर लेना है। देन यहाँ पे आपने क्या करना है, जब भी मार्केट की कैंडल्स आपको इसके लो पे दिखेंगी तो आपने बाय करना है यहाँ पे, ठीक है। और आपका टारगेट रहेगा टुवर्ड अपसाइड का, यहाँ पे इसका हाई है। अब ये क्या करती है इंडिसीजन कैंडल, आपको एक स्कैल्पिंग करने में बहुत हेल्प कर देती है, ठीक है। एक रेंज में जब आपको ट्रेड करना होता है तब हम यही करते हैं, एक बाई साइड का और एक सेल साइड का यहाँ पे ट्रेड को प्लान किया जाता है, ठीक है। मतलब ये है एक इंडिसीजन कैंडल को हम कैसे वर्क करते हैं उसमें, ठीक है, हमें कैसे काम करना होता है। तो चलिए ये थोड़ा सा यहाँ पे था, अब चलते हैं सीधा बैंक निफ्टी के एक लेवल्स क्या रह सकते हैं। तो ये है आप सबके सामने बैंक निफ्टी के लेवल्स। और रिमेंबर, ये एक बहुत बड़ी जोन है, ये एक बहुत बड़ी जोन है यहाँ पे। रिमेंबर गाइस, आपको स्कैल्प करना है यहाँ पे, ये नहीं करना कि यहाँ से हमें एक बहुत बड़ा सा टारगेट मिल जाएगा। कीप रिमेंबर दिस कि आपको यहाँ पे एक बहुत ही रैंडम सी कैंडल देखने के लिए मिल सकती है। सपोज आपने यहाँ पे बाई किया यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ से एक बहुत बड़ा सा टारगेट हमें मिल सकता है तो कीप रिमेंबर इस जोन में स्टॉप लॉस हंटिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे क्योंकि कॉल राइटर और पुट राइटर्स ने यहाँ इस जोन में बहुत ही
बिग अमाउंट में अपनी पोजीशंस को बना के रखा हुआ है, तो स्टॉप लॉस के चांसेस मतलब काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो रिमेंबर, अगर मार्केट इस जोन में रहती है तो हमें स्कैल्प करना, और ये तो चलो टारगेट बहुत ही दूर की बात हो जाएगी, ठीक है। बट फिर भी अगर मार्केट यहाँ से एक लेवल को ब्रेक करती है, ठीक है, इस बॉक्स को, तो आपका टारगेट जो है वहाँ पे रहेगा 41,072 का, ठीक है। अब यहाँ पे जो ब्लैक जोन यहाँ पे आपको दिख रही है, ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सी आपको जोन दिखेगी, जहाँ पे हमें इस टाइम पे एक रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। तो जैसे कि कैंडल्स अभी इन दोनों रेसिस्टेंस के नीचे हैं, दिस मीन्स ये दोनों अभी इस टाइम पे रेसिस्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे रेसिस्टेंस का मतलब होता है कि ऊपर की साइड यहाँ पे सेलर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट जैसे ही इस लेवल को टच करेगी, तो हायर चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से एक रिवर्स दे सकती है। और सपोर्ट की अगर बात करूँ, यहाँ से मार्केट बार बार इसको अपसाइड के लेके जा रही है, तो वो है 40,300। तो जब तक मार्केट में 40,300 का लेवल ब्रेक नहीं होता है, ठीक है, विथ 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग, मैं यहाँ पे फिर से मार्क कर देता हूँ, जब तक मार्केट इस जोन में 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग नहीं देती है, जो है 40,300 का, तब तक हम यहाँ पे एक डाउन साइड का मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मार्केट से। और जब रिमेंबर 40,100 का लेवल ब्रेक होता है, तो बहुत बड़ा सा हमें एक डाउन साइड का मूव मिलेगा, जो है 39,409 का। और ये लेवल अभी मार्केट में रीच करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो कल के लेवल्स आपके सामने हैं, ठीक है। कल अगर मार्केट पॉसिबली यहाँ पे मार्केट ना फिर से एक हमें फ्लैट ओपनिंग दे सकती है, क्योंकि यूएस की मार्केट में मतलब ज़्यादा मूव नहीं थी, तो इसी कारण से मार्केट में हमें कल एक फ्लैट ओपनिंग और छोटा सा गैप डाउन होते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब रिमेंबर, मार्केट में इस जोन के नीचे नीचे हमें सिर्फ सेल करना है, ठीक है, और यहाँ पे हमें सिर्फ स्कैल्प करना है। स्कैल्पिंग करेंगे आराम से, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स लेंगे और निकल जाएंगे मार्केट से। तो ये है बैंक निफ्टी के लेवल्स आप सबके सामने, कीप रिमेंबर, आपको ये नोट डाउन करना है। यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो बैंक निफ्टी के कल के लेवल्स आप सबके सामने हैं, प्लीज़ इसे नोट डाउन ज़रूर करो पहले। अब इसके बाद चलते हैं सीधा निफ्टी में। ओके, सो ये है आप सबके सामने निफ्टी 50 का चार्ट, और आप देख सकते हो बैंक निफ्टी की तरह इसने भी सिर्फ पूरे दिन पी साइड के प्रीमियम को सिर्फ डीके किया है ना। तो होता है ये सब, क्योंकि मार्केट में ना पी साइड के प्रीमियम्स एकदम से जंप किए हैं, तो बैलेंस करने के लिए मार्केट इस जोन में जाती जाती है। कीप रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। अब पी साइड के प्रीमियम्स को यहाँ पे डीके किया गया पूरा दिन। अब सोमवार मतलब कि 13 मार्च को आपको क्या लेवल्स जो हैं निफ्टी 50 में देखने के लिए मिल सकते हैं, आइए बात करते हैं सबसे पहले। सो निफ्टी को डे टाइम फ्रेम में हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलेंगी। अब ये देखो, ये एक सपोर्ट थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया बायर ने, अपनी पोजीशन बनाई। यहाँ पे मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा आपको समझाने के लिए कि मार्केट में अब क्यों हमें एक डाउनफॉल देखने के लिए मिल सकते हैं। सपोज करो अभी तक मार्केट ने ये पूरा फेस अभी नहीं बनाया था, ठीक है। मार्केट बैंक निफ्टी की इस टाइम पे कुछ इस लेवल पे थी, ठीक है। मैं इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा सा इजी हो जाए। तो सपोज करो मार्केट में यहाँ पे इस लेवल पे बायर ने अपनी पोजीशंस को फिर से क्रिएट किया, और मार्केट यहाँ तक लेके गए बायर्स। पिछली जो स्विंग बनी हुई थी मार्केट में सेलर्स की, सेलर जोन को अभी तक बायर ने टच नहीं किया, और फिर से यहीं से हमें एक फॉल देखने के लिए मिला। तो अगेन से बायर ने यहाँ पे अपनी पोजीशंस को बनाया और सेलर यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेलर एक बहुत ही बढ़िया तरीके से मार्केट को नीचे लेके जाने में सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो यहाँ पे हायर चांसेस है बायर्स जो हैं अपनी पोजीशंस को स्केयर ऑफ करेंगे, क्योंकि बायर्स अभी इतने एक्टिवेट नहीं हैं, और यहाँ पे अगेन से मार्केट हमें इस लेवल तक लेके जा सकती है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे हमें एक काफ़ी हैवी अमाउंट में जो पुट राइटर से वो भागते हुए दिखाई दे सकते हैं, और हमें एक बहुत ही बढ़िया सा जो डाउनफॉल है देखने के लिए मिल सकता है निफ्टी में। सेम बैंक निफ्टी में भी सेम यही केस बना हुआ है, क्योंकि अब के मार्केट में यहाँ पे अभी इस तरीके से चल रही है,
इसमें क्या होता है, एक लोअर लो बनता है मार्केट में, एक लोअर हाई बनता है, देन अगेन से एक लोअर लो बनता है, एक लोअर हाई बनता है। तो इस ट्रेंड को हम मानते हैं एक डाउन ट्रेंड, जिसमें आप देख सकते हो सेलर यहाँ पे एक्टिव है, सेलर अगेन से एक्टिव है। अगर बायर ज़्यादा एक्टिव होते तो पिछला स्विंग इस टाइम पे टूट गया होता और यहाँ से हमें एक बहुत बढ़िया सी अपसाइड की रैली देखने के लिए मिल सकती थी, जो कि ऐसा नहीं हो रहा है मार्केट में। तो हायर चांसेस हैं मार्केट में बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 दोनों में हमें एक बहुत ही अच्छा सा डाउनफॉल का मूव देखने के लिए मिल सकता है। बट कीप रिमेंबर ये एक बहुत बढ़िया सा एक स्विंग बना हुआ है ऊपर की तरफ, जो कि मार्केट निफ्टी की 17,567 को टच कर सकती है। देन उसके बाद हमें यहाँ पे एक ब्रेकडाउन देखने के लिए मिल सकता है मार्केट में, ठीक है। अब ये थोड़ी एनालिसिस थी, अब चलते हैं सीधा बैंक निफ्टी की तरह निफ्टी 50 के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं मंडे के दिन के। ओके, सो ये है निफ्टी के लेवल्स आप सबके सामने। आप देख सकते हो रेड जोन जो है 17,546 से लेकर 17,437 तक की रेंज है ऊपर की तरफ की, ठीक है। सेम लाइक बैंक निफ्टी की तरह हम यहाँ पे भी स्कैल्प करेंगे, छोटे छोटे से टारगेट हम बुक करेंगे यहाँ पे, और लॉन्ग पोजीशंस बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सेम लाइक बैंक निफ्टी यहाँ पे भी एसएल हंटिंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर और पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशंस को काफ़ी हैवी अमाउंट में बना रखा है। तो कीप रिमेंबर, अब मार्केट में जब भी हमें इस जोन में मिलती है, ठीक है, इस जोन में, तो हम यहाँ पे स्कैल्प करेंगे। अब इन केस अगर ये इसको ब्रेक कर देती है तो अपसाइड का जो हमारा टारगेट है वो रहेगा 17,565 का, ठीक है। अब कल के दिन में आपको ये जोन मिल जाएगी सबसे पहले, ठीक है। अब मैं होप करता हूँ मार्केट अगेन से हमें यहाँ तक ले आए पहले, तो ये हमें एक बहुत ही बढ़िया सी रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर देगी। ऊपर की तरफ भी आपके लिए एक बहुत बढ़िया सी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, और डाउन साइड के यहाँ पे भी आपको एक बहुत बढ़िया सी रेसिस्टेंस मिल जाएगी। तो इससे होगा क्या, सेलर्स का जो प्रेशर है वो ज़्यादा पड़ेगा बायर्स के ऊपर, तो एक बहुत ही बढ़िया सा हमें फॉल मिल सकता है और निफ्टी में। तो नीचे की साइड के आपके टारगेट सबसे पहले रहेंगे 17,306 के, ठीक है, 17,306 है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 17,255 का लेवल आपका डाउन साइड के लिए रहेगा, और ये एक लास्ट लेवल है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में एक बहुत बढ़िया सी सपोर्ट बनी हुई है, ठीक है। और कीप रिमेंबर, आपको इस जोन में हमें सिर्फ स्कैल्प करना है, और अगर मार्केट इस जोन में आ जाती है तो अपना नेक्स्ट टारगेट रहेगा 17,306 का। तो लाइव मार्केट में मैं आपकी हेल्प करूंगा, जैसे कि आप देख रहे हो हमारे टारगेट्स जो हैं काफ़ी अच्छे से हिट हो रहे हैं आजकल, और स्टॉप लॉस हमारा बहुत ही छोटा सा होता है, और हमारे जो तो टारगेट है ऑलमोस्ट 1:2 के होते हैं, हमेशा 1:1 के टारगेट हमेशा हम इस जोन में प्लान करते हैं, जो कि एक स्कैल्प जोन होती है। तो ज़रूर से आप मेरी लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। होप करता हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और कीप रिमेंबर लेवल्स को आप अपने हिसाब से अभी ट्रेडिंग व्यू में जाके इसको मार्क कर सकते हो। मार्क करने के बाद आपको जो है कल का एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि कहाँ पर मार्केट ट्रेड कर रही है, तो कहाँ पर हमें स्कैल्प करना है, कहाँ पर हमें ट्रैप जोन मिल सकती है, कहाँ पर हमें टारगेट्स मिल सकते हैं, तो वो आपको एडवांस में पता होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगेन से हम कल कल मिलते हैं, ठीक है। तो ट्यूसडे के मार्केट के क्या लेवल्स रह सकते हैं वो कल की मार्केट डिसाइड करेगी। तो मिलते हैं फिर लाइव स्ट्रीम में। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।